बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इतने दिनों के बाद मीना कहाँ से आन टपकी है। तो नहीं, मैं यहीं पर थी, बस कुछ इश्यूज हो गए थे, मुझे हेल्थ इशू हो गए थे, मुझे बहुत सवेर किस्म का माइग्रेन हो गया था और मुझे आइस की बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरी आइस साइट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, तकरीबन 6.25। तो जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ करने से मना कर दिया था और बस इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था, कुछ भी, बिल्कुल समझे कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता था, बस घर में बच्चे और हस्बैंड और घर के काम वगैरह, इनमें मैंने अपनी लाइफ को इतना उलझा दिया हुआ था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इस कुछ भी में मैं अपनी कोई भी स्किन केयर, जैसे कि मेरी स्किन बहुत डल हो गई, मेरे हेयर्स बिल्कुल रफ हो गए थे, ना मैं अपने हाथों पैरों की भी कोई केयर नहीं कर रही थी और बस इसी स्ट्रेस में। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे मेरी बहनों ने, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, इस तरह नहीं चलेगा, अगर तुम इसी तरह रहोगी तो फिर तुम किस तरह कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को समझाना स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे अपने आप को स्टैंड करना है, अपनी केयर करनी है, मैं अपनी केयर करूँगी तो मेरे बच्चे भी ठीक रह पाएंगे, मेरी बेटियाँ अच्छी तरीके से रह पाएंगी, उनको भी एक अच्छा खुशगवार माहौल मिलेगा। और अगर मैं ही स्ट्रेस में रहूँगी, मैं ही गुस्से में रहूँगी तो उनको क्या सीखने को मिलेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सोचा और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा स्टैंड किया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो बस इंशाल्लाह इसी तरह आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पता नहीं करते भी हैं दुआएं कि नहीं, लेकिन अगर नहीं करते तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं अब जिस तरह खुद मोटिवेट हुई हूँ, मैंने स्टार्ट कर किया है अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि वो लेडीज़ जो बिल्कुल अपने घर में बस कामों में उलझ के रह गई हैं और वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर पाती हैं, उनका बस वो भी स्ट्रेस नहीं है कि बस हमें यही करना है, उनके माइंड में हर टाइम मेरी तरह यही चलता है कि ये कर लें, फिर ये कर लें, ये कर लें, बच्चे देख लें, हस्बैंड देख लें, तो बस यही उनके माइंड में चलता है। तो वो भी ज़रा इस सर्कल से निकलें बाहर और थोड़ी अपनी केयर करें। और बस इसी तरह मैं उन लेडीज़ के लिए अब मोटिवेशन लेकर आई हूँ, जिस तरह मैं मोटिवेट हुई हूँ, मैं अब अपनी स्किन की केयर चैलेंजेस करूँगी। जैसे कि हमारी यूट्यूब में काफ़ी भाजियाँ हैं जो टोटके बताती हैं, तो क्यों ना इतने वो टोटके हमें बताती हैं तो हम क्यों ना ट्राई करें उनके टोटके, तो बस हम उनके टोटके भी ट्राई करेंगे। और इस तरह अब हम चैलेंजिंग वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम चैलेंज थ्री डे चैलेंज करेंगे, स्किन केयर का, हेयर केयर का, फुट एंड हैंड केयर का, बॉडी का, वेट लूज का। तो जिस तरह से आहिस्ता 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 फिर हम लोगों की स्किन भी अच्छी होती जाएगी और फिर इस तरह से आप लोग भी मेरे साथ करिएगा, आप लोग भी मुझे देख देख के मोटिवेट होते रहेंगे और मैं भी आप लोगों को देख के मोटिवेट होती रहूँगी कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर इंशाल्लाह अब हमारा वीडियोज़ के साथ एक न्यू सिलसिला स्टार्ट रहेगा और इंशाल्लाह हम लोग रोज़ मिलते रहेंगे वीडियोस के ज़रिए। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये मेरी थोड़ी सी वेलकम बैक वीडियो थी, तो मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ अपना इशू शेयर कर दूं कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, तो उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो इंशाल्लाह कल से नहीं तो परसों से मेरी कोई भी वीडियो ज़रूर आपके सामने आएगी। तो आप लोगों ने बस मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और जो मुझे पता है, यकीन है कि आप लोग मुझे ज़रूर देंगे, मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और बस दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।